नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लाइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूँ, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं दोस्तों। नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये आज के एग्जाम्पल में जो है मेरे पास भेजा है, ये मिस्टर सगीर हैं, इन्होंने अपना भेजा हुआ है और ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। यदि आप संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनके केस में भी ऐसा ही है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि इनकी कंपनी ने भी ज्यादा पैसा जमा किया हुआ है। ये आधे महीने का मैंने लिया, लेकिन उन्होंने पूरा पैसा भेजा हुआ है। लेकिन हमने जो एक्चुअल होना चाहिए, मैंने वो लिया है कि इतना भेजा जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जो भेजा है वो ज्यादा भेजा हुआ है, उसका डिफरेंस हम नीचे दिया हुआ है, तो वो समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह हमने अपने कैलकुलेटर में इनके डाटा डाल लिए हैं। ये 8.33% है, ये 1.16% है, और ये इनके पैसे की ईयर एंड पे वैल्यू है। ठीक है जी, तो इस तरह हम चलते हैं इस टेबल के एंड में कि इनको क्या पैसा जमा करना पड़ेगा और कितना इनको विद इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा। तो इस तरह टेबल वन के एंड में जाने के बाद ही हमें ये बातें पता लगेंगी। इनकी कैलकुलेशन भी हमने जून 2024 तक की है, क्योंकि अभी फरवरी चल ही रहा है और जून 2024 तक ही उम्मीद है ये सारा क्लियर होने की। तो यदि अप्रैल 2024 तक ये जमा करते हैं तो इनको 10,80,718 रुपये जमा करने पड़ेंगे, और जून 2024 तक इनके पास आता है तो 10,95,000 ये पैसा जमा करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। और इनका जो मूल अमाउंट आता है वो आता है 3,36,031 रुपये डिफरेंस। ये जो फर्स्ट वाला अमाउंट है, ये एंटायर वेज है इनकी एंटर लाइफ का, ये 8.33% अमाउंट है, और ये 1.16% जो इनको एक्स्ट्रा हमें जमा करना पड़ेगा। देखिए, 1,35,118 रुपये इनके जमा होने चाहिए थे ईपीएफ में, लेकिन इनकी कंपनी ने 1,48,298 रुपये जमा किए हैं। लगभग 13,000 रुपये इनके केस में इनकी कंपनी ने ईपीएफओ को ज्यादा जमा किए हुए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं, जबकि ईपीएफओ में ऑलरेडी इतना पैसा पड़ा हुआ है, वो पेंशन भी नहीं देना चाहते, तो एम्प्लॉयज का पैसा बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए एक्स्ट्रा, ये कंपनियों को ध्यान देना चाहिए। ये मूल अमाउंट है जो डिफरेंस अमाउंट उनको देना है 3,36,031 रुपये, और ये टेबल टू में इनकी हमने समरी दे दी है कि इनको किस टेबल वन की ही समरी दे दी है, जाकि इनसे समझने में आसानी रहे। टेबल थ्री ये है वैल्यू ऑफ ईयरली कंपाउंड बेस पे, हमने जो प्रेजेंट अमाउंट, प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट है, उस इंटरेस्ट रेट पे जो इनका अमाउंट जमा हुआ है, इनका अमाउंट कितना जमा हुआ है ये देखिए, ये दिखा रहा है 1,35,158 रुपये। तो इसकी वैल्यू क्या है लास्ट में हम वो टेबल तीन में देखेंगे, और टेबल चार में हम एवरेज कैलकुलेट किए हैं कि इनका एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा और कितना आता है। तो इनका जो एवरेज आता है वो आता है 60 महीने का 51,236 रुपये और 54,701 रुपये प्रोरेटा बेस पे, और प्रेजेंट पेंशन का आता है इनका 8,768 रुपये। तो इस तरह हमने टेबल फोर, टेबल थ्री और टेबल थ्री को समझने का प्रयास किया। ये हमारी टेबल थ्री है जिसमें हमने एक्चुअल इस पैसे की वैल्यू क्या है वो निकाली हुई है। अब हम इसकी हमने रिकवरी करने का प्रयास किया है कि इसकी रिकवरी कब हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू आती है, इनके पैसे की प्रेजेंट की वैल्यू आती है, वो 6,58,065 रुपये आती है, जबकि इनकी जो पेंशन है वो है 2673 रुपये। तो 2673 रुपये से इनकी रिकवरी कभी भी नहीं होगी, नेवर नेवर नेवर। तो ईपीएफओ को कम से कम ऐसी पॉलिसी डिजाइन करनी चाहिए थी कि सिंपल इंटरेस्ट, हम तो 7% पे मांग रहे हैं, 7% रिटर्न पे ही हमारा जो पैसा ईपीएफओ में जमा है वो प्रेजेंट पेंशन आज जो मिल रही है हमें, उस प्रेजेंट से क्लियर होना चाहिए था। यदि ये 12 महीने का एवरेज लास्ट कर लिया जाता तो पेंशन शायद इतनी बढ़ जाती और उससे रिकवरी 13-14 साल में हो सकती थी। इसलिए ईपीएफओ ने जितने भी अमेंडमेंट किए हैं वो गलत किए हैं, और उसी की वजह से आज ईपीएफओ हम सब परेशान हैं।
देखिए ये इतने अमाउंट के बाद भी, लगभग 23 साल के बाद भी इनकी रिकवरी नहीं होती है, ये हमने दिखाने का प्रयास किया है कि लगभग 23 साल के बाद भी इनकी रिकवरी नहीं होती है, उल्टे इनका कॉर्पस जो है वो बढ़ता ही चला जाता है। ये हमने ऊपर बताया कि टेबल थ्री में आज की डेट में इनके पैसे की वैल्यू क्या है, 6,58,065 रुपए, और यह भी मैंने ऊपर बताया कि 1,35,158 रुपए इनको जमा होने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने 14,000 लगभग 13,000 पैसा ज्यादा जमा किया हुआ है ईपीएफओ में। ठीक है जी, अब हम इनकी पेंशन देखते हैं, प्रेजेंट पेंशन को। प्रेजेंट पेंशन में इनकी जो ज्वाइनिंग है, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है, वो 9 जनवरी 58 है और 31 मार्च 80 को इन्होंने ज्वाइन किया है। तो इस तरह 15 साल से ज्यादा सर्विस होती है इनकी, 15 साल 7 महीने लगभग होती है, और 15 साल 7 महीने है तो इनको 135 रुपए, 15 से ज्यादा और 20 से कम, 20 एग्जैक्ट तक 135 रुपए का कंपनसेशन है, तो 135 रुपए का इनको कंपनसेशन मिलेगा। इस तरह इनका जो पुरानी पेंशन, इनकी जो 20 साल इन्होंने ईपीएस में जो सर्विस की है वो भी लगभग 20 साल की है, और 20 साल 21 साल लेस देन 21 साल के लिए जो टेबल बी के अनुसार फैक्टर आता है वो 4.843 आता है। तो इस तरह एफपीएस का जो कंपनसेशन आपको मिलेगा वो 654 रुपए मिलेगा। ठीक है जी, अब हम इनकी प्रेजेंट पेंशन कैलकुलेट करते हैं। देखिए प्रेजेंट पेंशन में दो कारण, दो चीजें, दिन का तो हम हर बार बताते रहते हैं कि ईपीएफओ 8 दिन कम कैलकुलेट करता है, दूसरा इन्होंने जो एवरेज लिया है, हमने जो एवरेज निकाला है वो आता है 8767, और बिल्कुल उसी मंथ वाइज निकाला गया, उसी पैटर्न पे निकाला गया जिस पैटर्न पे ये निकालते हैं, लेकिन इन्होंने 8342 निकाला हुआ है जो कि हमारे हिसाब से गलत है। यही कारण है कि इनकी पेंशन तो हमसे अलग बन रही है। मेरे हिसाब से इनकी पेंशन बनती है 2756 रुपए और इनको पेंशन मिल रही है 2673 रुपए। तो इनको भी मेरी सलाह यही रहेगी कि अपने ईपीएफओ से तुरंत संपर्क करें, आरटीआई लगाएं, उनसे कैलकुलेशन पूछें कि हमें कम पेंशन क्यों मिल रही है, और ये उनसे कैलकुलेशन पूछे पहले, फिर आप निष्कर्ष पर पहुंचे कि कम पेंशन मिल रही है, और फिर उसकी जो भी कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसको करेक्ट करा सकते हैं, उसको करेक्ट कराया जाना चाहिए। 60 महीने के हिसाब से जो इनकी हायर पेंशन बनती है वो बनती है 16,873 रुपए, और प्रोरेटा बेस पे देखें तो 17,905 रुपए। तो इस तरह इनकी इफेक्टिव पेंशन जो हुई, या चूंकि ऑलरेडी ये पेंशन ले रहे हैं, वो हुई 14,200 और 15,232, यानी प्रोरेटा केस में ये होगी और 60 महीने के केस में ये होगी, यानी इनको भी प्रोरेटा यदि लागू होता है तो इनको भी फायदा है। अब हम इनका ये देखते हैं कि इनका एरियर कितना बनता है। देखिए ये हमने पेंशन लिख ली, पहले कॉलम में हमने पेंशन लिख ली, और चूंकि इनकी 8 जनवरी है तो इसलिए 8 दिन का के बाद 23 दिन का जनवरी में भी 23 दिन का एरियर इनको मिलेगा, जो हमने 23 दिन का एरियर ये कैलकुलेट किया है, और बाकी दिन का, बाकी महीने का ये पूरा कैलकुलेट किया है। तो इस तरह मंथ वाइज यदि हम कैलकुलेट करते हैं, तो मंथ वाइज कैलकुलेट करने के बाद हम पाते हैं कि इनका जो एरियर बनता है वो एरियर लास्ट में, टेबल के लास्ट में जाके हम देखेंगे, वो इतना बनता है। देखिए 14,44,000 और 15,49,000, यानी लगभग 1,00,000 का अंतर है, और 2,72,000 ही मान लीजिए, 2,72,000 इनका एरियर ये अभी तक एरियर ले चुके हैं। अब हम इनकी समरी देखते हैं। इनकी समरी में जब हम देखते हैं तो इन्हें 10,73,000 रुपए जमा करने हैं आज की डेट में, और इनकी जो प्रेजेंट पैसे की वैल्यू है वो 6,58,000 है। इस तरह 17,31,404 रुपए इनके टोटल ईपीएफओ के अंदर जमा होते हैं, और आपको 2,71,996 पेंशन मिल चुकी है ये टेबल 6 के अनुसार में, और आपको जो एरियर यदि आप पैसा जमा कर देते हैं और हायर पेंशन लागू होती है तो 14,44,735 ये आपको एरियर मिल जाएगा। इसी तरह प्रोरेटा के केस में, प्रोरेटा केस में आपको ज्यादा मिलेगी, 15,49,000। तो इस तरह आपको पूरा का पूरा जितना भी पैसा आज तक जमा होगा, आपका 24 जून तक जमा होगा, वो आपको पूरा पैसे की रिकवरी जून 24 तक हो जाएगी। उसमें एक महीना और लगभग लगेगा, 14,700
72 रुपए, 712 रुपए, ये आपका बैलेंस बचता है। तो इस तरह आपके पूरे पैसे की वैल्यू रिकवरी हो जाएगी जून 24 तक, और जून 24 के बाद जो आपको पेंशन मिलेगी वो आपकी बोनस कह सकते हैं। और ऑलरेडी जैसे मैंने पहले कहा कि ईपीएफओ हमारे पैसे से लगभग 17% इंटरेस्ट कमाता है, जो इसी सीबीडीटी मीटिंग से डिक्लेयर हुआ है, क्लियर हुआ है। तो इस तरह ईपीएफओ को हमारी पेंशन देने में, हायर पेंशन देने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी नीयत ठीक नहीं है, वो पेंशनर्स को परेशान करना चाहते हैं केवल और केवल। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।